हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और निशा पैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुस्खा शेयर करने जा रही हूं, जो हमारी दादी नानी अपने ज़माने पे यूज़ किया करती थी सर्दी खांसी जुकाम और गला साफ़ करने के लिए। सही मानों में ये रेमेडी बहुत अच्छी है और आजमाई हुई है। अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उसमें इस रेमेडी को यूज़ करके हम इंस्टेंट आराम पा सकते हैं और अपने सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस रेमेडी की ओर कि मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं डाला हुआ है, जो है वो दादी नानी के ज़माने से चली आ रही नुस्खे को मैंने आजमाया है और उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए बनाते हैं ये दादी नानी के ज़माने की एक अचूक नुस्खा। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ली हैं उनको मैं बता दूँ। ये है हमारा लौंग। लौंग में एक चीज़ को ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें ये जो ऊपर का फूल होता है वो फूल होना चाहिए, फूल टूटा हुआ लौंग नहीं होना चाहिए। यह है काली मिर्च, यह है सौंठ, अदरक का पाउडर, यह है अदरक को कद्दूकस कर निकाला हुआ उसका जूस। इन चीज़ों से ही हम अपना ये रेमेडी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आयरन तवा गरम किया है। इस गर्म तवे में मैं लौंग को डाल रही हूँ, काली मिर्च को डाल रही हूँ। लौंग और काली मिर्च की क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे से अंतर करता है। लौंग और काली मिर्च अगर हम 1 स्पून ले रहे हैं तो लौंग 1/2 स्पून लेनी है और अदरक का पाउडर सोट जो है वो भी इन पाउडर्स का 1/2 लेना है। मतलब कि लौंग जो है वो काली मिर्च से आधी रहेगी और ये जो पाउडर तैयार होगा उससे 1/2 सोंठ पाउडर लेना है। देखिए झटपट से तुरंत में हमारा ये लौंग और काली मिर्च गर्म हो गया है। हमने गैस बंद कर दिया, देखिए ये चटक रहा है। अब इसे मैं एक खलबट्टे में पास कर दूंगी। देखिए लौंग कितना अच्छा फूल फूल गया है, यही चाहिए हमें, इससे ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना है। अब इसे मैंने खलबट्टे में डाल लिया है और इसको हल्का गर्म में ही कूट कर एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इसे हम मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन बोला जाता है कि जो घरेलू मेडिसिन बनाए जाते हैं उनको अगर हम घरेलू तरीके से ही बनाएं पूरी तरह से शुद्ध सात्विक तरीके से तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो खलबट्टे का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। इसका हम फाइन पाउडर बना कर फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा खलबट्टे में ही एक फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब जब ये बनकर तैयार हो गया है इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिलाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कूटने के पहले भी डाल सकते हैं, बट चूंकि पाउडर है तो कूटने के पहले डालने का कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं था, इसलिए मैं इसे बाद में ही मिला रही हूँ। अब इस फाइन पाउडर को अगर मुझे बच्चों को देना है या फिर उनको जिनको गोली वगैरह ये सबसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गटकने में, जो गोली के फॉर्म में किसी चीज़ को खाना पसंद नहीं करते, लिक्विड
खाना जिन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है उनके लिए ये अदरक का रस जो है वो लेंगे, उसमें थोड़ी सी जितना अदरक का रस लिया है उसके हिसाब से ही इसमें ये गुड़ मिलाया है मैंने, बिल्कुल देसी गुड़ है। गुड़ को मिला लें अच्छे से। आप गुड़ की जगह शहद भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्योर शहद मिल जाए तो। मुझे ये गुड़, प्योर गुड़ मेरी फ्रेंड के घर पे होता है, उनके गांव पे, तो वहाँ से ये प्योर गुड़ मिल जाता है। तो मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं इस टाइप की उसमें ये गुड़ ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये प्योर चीज़ मुझे मिला हुआ है। अब इसमें जब ये बहुत अच्छे से मिल जाए, देखिए अदरक के रस का बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, हमारा गुड़ अच्छे से मिल गया है, तो इस टाइम पे हम इसमें दो चुटकी, इतना देखिए 1 चम्मच ये हमारा अदरक का पाउडर, सॉरी अदरक का रस है, उसमें मैं एक और एक दो चुटकी इतना भर मैं इसमें ये जो पाउडर तैयार किया है मैंने ये मैं डाल रही हूँ। ये जो हमारा रस तैयार हुआ है इसे हम रात के टाइम में सोते वक्त बच्चों को या जिन्हें भी प्रॉब्लम है उन्हें 1 चम्मच इतनी मात्रा जो है उन्हें पिलाकर, गर्म पानी पिलाकर सुला देंगे। मॉर्निंग तक जो सर्दी खांसी और गले का जो जुकाम है उसमें आराम मिल जाता है। ये पक्का स्टार्टिंग में अगर आप देते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने के पहले, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है तो 2-4 दिनों ये नुस्खा को आजमाना पड़ेगा, और अगर स्टार्टिंग ही है तो 1 दिन में ही ये पक्का आराम दे जाता है हमारे गले को। अब मैं जो टैबलेट फॉर्म बनाना है उसे के लिए बता रही हूँ, उसके लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून लिया है अदरक का पाउडर सोट, और ये मेरे पास 2 स्पून तैयार है काली मिर्च लौंग और हल्दी वाला पाउडर, और ये मेरे पास है गुड़ 1 चम्मच। इन सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मिक्स कर दिया मैंने इसे, और इसे तैयार करके रख देंगे। जब सोने का टाइम हो बड़े लोग, उस वक्त इसमें का एक इतना इतना मात्रा, 1/2 स्पून, 1/2 टीस्पून लेकर फक्की के रूप में गर्म पानी के साथ पी लें और रात में सो जाएं। सुबह तक गले की खराश, सर्दी खांसी में आराम पड़ जाती है। अगर इसे गोली का शक्ल देना है तो हम इसमें थोड़ी सी शहद मिलाकर उसे राउंड राउंड गोली का शक्ल दे देंगे और उसे रख देंगे, बट वो थोड़ा सा चूँकि उसमें शहद मिल जाता है और फ्रिज के बाहर रखने में वो जल्दी से ख़राब होने का डर हो जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा आजकल प्योर शहद मिलता नहीं, मॉइस्चर मिल जाता है, तो इसे पाउडर की शक्ल में ही बनाकर रख दीजिए शीशे के जार में, जिससे कि शीशा का जार क्या है कि कोई भी मेडिसिन को रखने के लिए अच्छा होता है, उसमें रख दीजिए और इसे यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये रेमेडी पसंद आया हो या इस पे थोड़ा सा भी विश्वास हुआ हो तो प्लीज़ एक बार आज़माइए और फिर हमें बताइए कि आपको इसका इफ़ेक्ट कैसा लगा और ये रेमेडी आपको यूज़ करने में कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये हमारी नहीं, हमारे दादी नानी के ज़माने के ट्रिक्स हैं जो कि वो अपने टाइम में बच्चों के साथ यूज़ किया करती थी
और उससे उन्हें फ़ायदा भी मिलता था। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जानकारी और बातों के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए सभी सेफ रहें, घर में रहें और हर चीज़ों में सफाई और बातों का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।